देख सभी है वे, मतलब जितना सब है इसमें। What's up guys, welcome back to my another vlog. And like seriously, आज फिर से मैं एक एकदम अलग ही जगह से vlog start कर रहा हूँ। So literally आज है युवराज का birthday, वही वाला तुम लोगों ने अगर वाला video नहीं देखा जिसमें वो sketch बनाता है लकी का एकदम best। So literally मैं कुछ सोच रहा हूँ, वैसे तो मैं gift देने में बहुत बेकार हूँ, but finally मेरे दिमाग में कुछ सूझा है कि एक artist के लिए भाई सब स्केच बनाना पड़ता है। टैलेंट कहाँ है? देखते हैं, ठीक है। इसने बोल दिया है अभी मेरा स्केच बनाएगा, देखते हैं। यहाँ पे बोला याद रखियो। बोल रहा था कि एक स्केच आर्टिस्ट के लिए इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है। मतलब सीरियसली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था प्रीवियस में, तो मैंने देखा था कि मतलब उसके पास प्रॉपर स्केच बुक नहीं था और पेंसिल्स भी नहीं थी प्रॉपरली, जो कि एक आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए अपनी एबिलिटी को, अपने स्किल्स को और इन्हेंस करने के लिए। चलो एक बेस्ट ऑफ बेस्ट गिफ्ट मेरे दिमाग में आ गया, वो है एक परफेक्टली पूरे पेंसिल्स का सेट स्केच का और ब्रशेस वगैरह और एक अच्छी से स्केच बुक। चलो तो कब बना रहा है मेरा? मैनेज कर लूंगा एक पेज। एक पेज फाड़ के ले लेना। और जो पेंसिल से लगी भाई आता अपना से घर हो जाएगा भाई। मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखिए ये एक जगह थी, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहीं से लिया था नकली डोनट। कहाँ वो बनाने नहीं आता है? क्या 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 स्कूबी नहीं, पहले अपन लेते थे गूते थे। अच्छा स्कूबी वो याद है तुम लोग को? ऐसा बैग के पीछे हम लोग सब बना के लगाते थे। अब तो मैं किसी को देखता नहीं, कोई बच्चा नहीं लगाता, बट हम लोग अपने टाइम पे भाई बनाते थे। ओके ये क्या है, इसके अंदर सब है? ये सब स्केचिंग के लिए ही है ना? अरे हाँ यार, दिखा नहीं है क्या? अरे हाँ यार, वो सब तो ठीक है। ये क्या भाई, पेन है? एनालॉग पी टाइप का गिफ्ट। अगर बच्चा ये लेके जाएगा तो पढ़ेगा क्या? देखना आजकल लोग इंस्टाग्राम उस पे नोट्स पे पेन ही फैन लगा रहे भाई। ये हमारा पंखा। ये रहा मेरे साइड का पंखा, इंस्टाग्राम पे नहीं यूट्यूब। बहुत सारा पंखा है यहाँ पे, पांडा वाला पंखा, कार्टून वाला पंखा, पंखा ही पंखा। वो पानी। अच्छा ये पानी है? अबे ये पानी है। ऑलराइट, सो फाइनली ले लिया एकदम बढ़िया सा गिफ्ट। इसके अंदर है स्केच बुक और सब कुछ। अब चलते उसको देते और देखते उसका रिएक्शन। 100% बोलता हूँ, 100 नहीं 1,00,000% बोलता हूँ, उसको पसंद आएगा भाई। 100% पसंद आएगा, हो ही नहीं सकता ना। ऑलराइट, सो अब यहाँ से सीधा चलते उसे घर पे, इसको गिफ्ट दे देते हैं, रिएक्शन देख लेते उसका, फिर चलते सीधा घर पे क्योंकि बहुत ज्यादा काम है भाई। घर पे पहुंच के मेरे को रिकॉर्डिंग करना है, फिर एक चैलेंज वीडियो भी बनाना है, बहुत काम है। चलो फटाफट से, लेट नहीं कर सकते। ओके सो फाइनली इसी घर पे पहुंच गए और बेचारे का पेपर है, तो बेचारा एकदम जाग के मस्त में, कल मैगी बनाने के बाद में आज बेचारा रात भर जाग के। बढ़िया से मस्त में क्या कर रहा था अभी? चल अब गेस करो इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है? ओके सो गिफ्ट ओपन करते, मत गेस कर। ये एक के अंदर रिकॉर्ड, ये तो नहीं बोला था मैंने। बैग है इसमें, तो टिफिन लेके जाना। ये है स्केच बुक पूरी किट, इधर है इधर। ये देख सभी है वे, मतलब जितना सब है इसमें। ये सब क्या है मेरे को मालूम नहीं, ये सब ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, इसका कवर मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक ही है। हम लोग ने ओपन कर दिया। अरे तो बता कैसा लगा? आम मत छोड़ना, हम लोग जा रहे करते। बहुत सही लगा, अच्छा लगा। 10 out of कितना? 10 out of 20। सच में सही था ना? मेरे को ये लगा, अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ गिफ्ट देने, मेरे को पता नहीं होता क्या देना क्या नहीं। ऑलराइट सो फाइनली घर पे आ गया, पूरा गिफ्ट वगैरह सब दे दिया और अभी जस्ट लाइक 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं जाके फटाफट से देख लूँ, मेरा कैमरा वगैरह सब रेडी है और फटाफट से जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और
गिफ्ट अच्छी बात है, गिफ्ट पसंद में आई, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गया कि बेचारा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया वो मैं देख पा रहा था। एनीवेज यार इतना बेकार सा लग रहा है ना ये वाला, ऐसा लटका हुआ, सोच रहा हूँ इसको मैं हटा दूँ, पूरा वायर वायर ना बहुत बेकार लगता है। ऑलराइट, और मैं जब खरीद रहा था वो सब स्केच वगैरह, तो मैंने ये भी ले लिया अपने लिए छोटा सा। ये क्यों लिया मैंने, टू डू लिस्ट लिखने के लिए, मतलब वही टू डू लिस्ट। तो मैं इसमें तुम लोग को अपना एक महान सीक्रेट बताने वाला हूँ, एक ऐसा सीक्रेट ओके सो लाइक जनरली सुबह सब गिफ्ट वगैरह दे दिया, और अभी उससे कॉल था कि आ जाओ कुछ खिला देता तुम लोग को, तो बोला हाँ भाई भूख तो लगी है, ये सब में मैं ऑलरेडी पीछे तो रहता नहीं हूँ, सो चलो फटाफट से चलते कुछ खा लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चाइनीज वगैरह नहीं खाऊंगा, मैं एकदम नॉर्मल सा रोटी खाऊंगा एकदम सादी सी, मेरी फेवरेट वाली तुम लोग को पता ही होगा। सो फाइनली बाहर आ गए हैं और बर्थडे बॉय भी आ गया, और इसके साथ चलते फटाफट से, इसको भी जाना है केक वगैरह काटना है। मैं तो अकेला इसलिए मैंने केक वगैरह नहीं काटा, इसके सारे जो दोस्त लोग रहेंगे वो लोग केक काट देंगे सर, कभी कौन दिन में तीन चार बार केक काटेगा, एक ही बार काटेगा वही सही है। बर्थडे बॉय कैसे चल रहा है तेरा बर्थडे अब तक? बेचारे का एग्जाम भी एकदम परफेक्ट समय पे आया हुआ है। वो भी कौन सा एग्जाम? जावा का है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तुम लोग आईटी फील्ड में हो तो तुमको पता होगा बहुत ज़्यादा टफ होगा। बेचारे का पूरा बर्थडे स्पॉइल हो गया, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही ले रहा है, ये पूरा नहीं छोड़ रहा, मतलब समझ रहा है एंजॉयमेंट एक अलग तरह का हमारे टेबल का, बट तू भी एंजॉयमेंट कर रहा है, फिर प्रेशर आता हुआ दिमाग में यार बाकी है, दिल में वो रह रहा है कि हाँ पेपर है तो पढ़ने का, तेरे को पढ़ने का आज रात में। ऑल राइट, सो हम लोग ने मंगाया है एकदम नॉर्मल सा पाव भाजी, खाते इसको और भागते हैं। ऑल राइट, सो खाना वगैरह सब खा लिया मस्त में एकदम, और काफ़ी अच्छी रात है, काफ़ी अच्छा बादल है, काफ़ी अच्छा पेड़ है, काफ़ी अच्छी साइकिल है, काफ़ी अच्छा LED लाइट है। चलो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, बर्थडे, बाय बाय, बाय, एग्जाम के बाद, यस।